नमस्कार, कैसे हैं आप? गांधी परिवार की चापलूसी में कांग्रेस की लंका लगा देने वाले दिग्विजय सिंह, क्या जानबूझ करके ऐसा षड्यंत्र किया है कि वो राहुल गांधी के जेल जाने से पहले उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए चापलूसी करने के लिए वो जेल जाएं, या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले प्रदेश के अंदर जातीय विद्वेष का एक षड्यंत्र किया है? दिग्विजय सिंह भारतीय राजनीति के सबसे शातिर खिलाड़ी में से एक हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से नफरत के लिए जाने जाते हैं। संघ के प्रति उनका घिनौना रवैया अक्सर सामने आया है। अब की बार जो उन्होंने खेल किया है वो षड्यंत्र ना सिर्फ दंगा फैलाने का है। फोटोशॉप करके दिग्विजय सिंह ने इस बार संघ के दूसरे प्रमुख और सबसे सम्माननीय व्यक्ति में से एक गुरु गोलवरकर के लिए एक षड्यंत्र किया है। जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए गुरु माधव सदाशिव गोलवरकर के मायने क्या हैं ये पूरा देश जानता है। लेकिन एकाएक दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट क्यों किया? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके जो कुछ लिखा है वो पूरा फोटोशॉप दिखता है। दिग्गी ने लिखा है कि गुरु गोलवरकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय जल, जंगल एवं जमीन पर अधिकार पर क्या विचार रखते थे जानिए, और एक फोटोशॉप करके एक फर्जीवाड़ा लिखा है। इसे आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने रिट्वीट किया और लिखा कि श्री गोलवरकर के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है तथा सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप चित्र लगाया गया है। अब चूंकि संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ये बात लिख रहे हैं तो इसके मायने हैं। अब इस फैक्ट को समझना इसलिए है कि क्या संघ इतने बड़े फोटोशॉप अपराध जो दिग्विजय सिंह का है उस पर चुप रहेगा? दिग्गी के खिलाफ इस मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपी हाईकोर्ट के वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है और यह एफआईआर दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। तो क्या यह एफआईआर सिर्फ पॉलिटिकल होगा? क्या एफआईआर सिर्फ प्रवेश शुक्ला की या फिर उस पर प्रवेश शुक्ला की तरह एक्शन भी होगा? हाल में एक वीडियो वायरल किया गया, बताया जा रहा है कि 2-3 साल पुराना वीडियो है। इस वीडियो में मूत्र विसर्जन करते हुए एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता को दिखाया गया जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है। यह वीडियो सामने आते ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक्शन दिखाया और प्रवेश शुक्ला को के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। रातों रात उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर यूएपीए लगाया गया, उसके ऊपर राज्य के गृह मंत्री का बयान भी आया। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। देखिए, जहां अतिक्रमण होता है वहां कानून अपना काम करता है और इसलिए कानून वहां पर अपना काम करेगा प्रदेश में। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ित के साथ वीडियो जारी किया, उनका सम्मान किया गया, तिलक लगाया गया और अंग वस्त्र के साथ स्वयं दिग्विजय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने उसे सुदामा कहकर के सम्मानित किया। लेकिन क्या गोलवरकर शिवराज सिंह चौहान के लिए सुदामा बनकर के आएंगे? क्या इसी ढंग का सम्मान शिवराज सिंह चौहान गुरु गोलवरकर का कर पाएंगे?
वो तो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो क्या गुरु गोलवरकर का यह अपमान सिर्फ गुरु गोलवरकर का है या फिर संघ का, आरएसएस, पूरे आरएसएस का है? यह एक बड़ा षड्यंत्र है। इस ट्वीट से साफ लगता है कि यह फोटोशॉप है जिसमें गुरु गोलवरकर के लिए दिखाया गया है कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की बराबरी का अधिकार देती है ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये पूरा फरेब जो है वो दिग्विजय सिंह ने किया है। दिग्गी ने ये पूरा षड्यंत्र जानबूझ करके किया है और इससे ऐसा साफ लगता है कि दिग्विजय सिंह ने फसाद करने की कोशिश की है। दिग्विजय सिंह का यह षड्यंत्र पहला नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जब 26/11 की वारदात मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, अजमल कसाब जिसमें पकड़ा गया था, अजमल कसाब के पकड़े जाने के समय जब उसके हाथ में कलावा था, जब एक षड्यंत्र के तहत पाकिस्तानी आतंकी को यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो हिंदू है, दिग्विजय सिंह उस पहली तस्वीर के माध्यम से एक षड्यंत्र रच दिया। और इसके लिए षड्यंत्र में हफ्ते भर के अंदर दिग्गी ने एक बड़ी साजिश कर ली। 26/11 के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह ने अपने कुछ चेले चपाटों के साथ एक षड्यंत्र रचा, सहारा उर्दू के संपादक अजीज बरनी से एक किताब लिखवाई, 26/11 संघ की साजिश, और उस किताब का हफ्ते भर के अंदर किताब लिखा भी गया, उसका विमोचन भी हो गया। उस विमोचन में दिग्गी ने महेश भट्ट को शामिल किया और उस पे एक बॉलीवुड में फिल्म बनाने की तैयारी कर ली गई। सोनिया के दिग्गी ने पूरे सनातन के साथ दरअसल ये साजिश की थी। ये पूरा बदनामी ये करने की कोशिश थी दिग्विजय सिंह की कि ये जो आतंकी हमला है वो हिंदू आतंकवाद है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह ये षड्यंत्र लगातार कर रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी को इस मामले में पहले ही फंसाया जा चुका था, और उसके बाद ये षड्यंत्र करके दिग्विजय सिंह एक बड़ी साजिश रच रहे थे। तो दिग्विजय सिंह एक हैबिचुअल क्रिमिनल इस मामले में नजर आते हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल दिग्विजय सिंह इसलिए नजर आते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह के लिए यह माना जाता है कि ये दिग्गी हमेशा इसी ढंग का षड्यंत्र करते रहे। दिग्विजय सिंह का यह षड्यंत्र सामान्य नहीं है। दिग्गी भारतीय राजनीति के वो षड्यंत्रकारी खिलाड़ी हैं जो फोटोशॉप के मास्टर हैं। तो क्या इस देश में कानून किसी दिग्विजय सिंह के लिए, पवन खेरा के लिए, राहुल गांधियों के लिए अलग होगा और आम आदमी के लिए अलग? क्या दिग्गी जानते हैं कि कोई कपिल सिब्बल, कोई अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में उसे बचा लेगा, उसे कोई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दिग्विजय सिंह ने ये जो फोटोशॉप किया है वो बहुत खतरनाक है। उसके साथ उसने परसेप्शन गढ़ा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें ऊपर ही लिखा है गुरु गोलवरकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के क्या विचार थे अवश्य जानिए। और इससे उसने एक दंगा फैलाने की कोशिश की। उसने इस ट्वीट को शेयर किया और विवादित टेक्स्ट लिखे। इसमें तस्वीर में दावा किया गया कि गोलवरकर की किताब वी एंड ओवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड से कोड किया गया, मतलब दिग्विजय ने साजिश किया कि ये जो कुछ भी मैं ट्वीट से ये कर रहा हूं ये दरअसल गुरु गोलवरकर की किताब से लिया गया है। तस्वीर में जो टेक्स्ट लिखा है उसके मुताबिक सदाशिव गोलवरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राष्ट्रीय जमीन, इन सब चीजों पर कब्जा किया जाए। अब दरअसल दिग्गी की साजिश को समझिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, दिग्गी हाशिए पर है। दिग्गी लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं, बैकडोर से राज्यसभा में उनकी एंट्री हुई है। दरअसल ये साजिश इसलिए कि दिग्विजय सिंह ने दिखाने की कोशिश की है कि संघ की जो सोच है वो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ है। इससे वो फसाद करने की दिग्विजय सिंह ने एक बड़ी कोशिश की है। दिग्गी ने ये बताने की कोशिश की है कि धन संपत्ति, राज्य की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दिया जाए, जो लगातार एक परसेप्शन राहुल गांधी करते आए हैं, जो बोलते आए हैं,
कि मोदी ने पूरी संपत्ति अपने दो दोस्तों के हाथ में सौंप दी है। आपने राहुल गांधी को कई बार सुना होगा ये बोलते हुए। दरअसल राहुल के इसी एजेंडे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 95% जनता को भिखारी बना देने की संघ की सोच है और वही गोलबरकर की सोच है। गोलबरकर को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1944 में कहा था कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की बराबरी का अधिकार देना मुझे स्वीकार नहीं है। ये कितना बड़ा फरेब है, कितना झूठा है ये, इसे हमने बताया कि संघ के जो अलग अलग ट्विटर हैंडल से इसे रिट्वीट करके ये बताया गया कि ये झूठ है। लेकिन जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं सुनील अंबेडकर जी, उन्होंने इसे फोटोशॉप करार दिया है। और एक FIR हो चुकी हुई है, FIR 153A 469 और 469 500 के तहत, धारा के तहत, IPC के तहत FIR किया गया है। लेकिन क्या ये FIR होगा या उसे भी घसीट कर लाया जाएगा, ठीक उसी ढंग से जिस तरह से शुक्ला को लाया गया था? क्या दिग्विजय सिंह के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? यदि हिम्मत है सही मायने में शिवराज सिंह चौहान पर, ये पूरी सरकार संघ के बदौलत बनी हुई है, और यदि शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है, यदि सचमुच वो न्याय प्रिय हैं, किसी प्रवेश शुक्ला के घर को तोड़ा जा सकता है, तो ये बुलडोजर दिग्विजय सिंह के घर पे भी चलना चाहिए। ये सरकार RSS के स्वयंसेवकों के कारण है। RSS का अपना इतिहास रहा है। 1962 के युद्ध में नेहरू ने उनकी तारीफ की, और उसके बाद संघ के स्वयंसेवक उसी गोलवरकर के आदर्शों पे चलने वाले स्वयंसेवकों को 26 जनवरी को राजपथ पे उतारा गया था और उनकी पैरेड हुई थी। ट्रैफिक संभाला था स्वयंसेवकों ने, ना सिर्फ 65 में, 71 में भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अतीत रहा है। मैंने कभी, ना मैं संघ के शाखा में आज तक कभी गया, ना मैं RSS का सदस्य रहा। वैसे आज की तारीख में लोग, पत्रकार अपने आप को, जो जिनका कोई परिचय नहीं है, वो कहते हैं मैंने प्रथम वर्ष किया, मैंने द्वितीय वर्ष में कर ही रहा था कि अब मैं पत्रकारिता में आ गया, ऐसा छलावा करके लोग सिस्टम पर काबिज हैं। लेकिन मैं इस मंच से कहता हूं, मेरा RSS से कोई वास्ता नहीं रहा। मैं कभी शाखा में नहीं गया, लेकिन शाखा में जाने वाले मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जो बहुत ही सात्विक जीवन जीते हैं, आदर्श राष्ट्र का लेकर के चलते हैं, जिनने में से बहुत सारे लोगों को जानता है जिनने पूरी जिंदगी अपने आप को खपाया है। संघ में जाति से तो कोई मतलब ही नहीं होता, किसी को भी संघ में जाति कास्ट नेम लेकर के नहीं पुकारा जाता। ठाकुर जी, मिश्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, नाम के साथ पुकारा जाता है, मनीष जी, सौरभ जी, विकास जी, इस तरह से। संघ जाति हिंद, सनातन में जाति ही तो खत्म करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाए हुए है, और दिग्विजय सिंह ने वहीं षड्यंत्र किया है। इस देश के प्रधानमंत्री RSS के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रह चुके हुए हैं, मंत्रिमंडल में कई लोग RSS के प्रचारक तक रह चुके हुए हैं। ऐसे समय में यह जिम्मेदारी है इस सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ ना सिर्फ FIR हो, बल्कि उसके घर पे बुलडोजर चले। देखिए, ने भले ही राहुल गांधी की चापलूसी करने के लिए राहुल जेल जाएंगे, उससे पहले खुद जेल जाने की तैयारी की हो, ताकि वो चापलूसी उसी जेल में कर सकें। लेकिन करोड़ों की जो संपत्ति अवैध दिग्गी ने बनाई है, ये जरूरी है कि उस पर बुलडोजर चले, क्योंकि ये अपराध दिग्गी का किसी प्रवेश शुक्ला से कम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले जानबूझकर दंगा कराने का षड्यंत्र किया है, और इस षड्यंत्र की सजा दिग्विजय सिंह को यदि जब तक नहीं दी जाएगी, तो ये माना जाएगा कि इस देश में न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कोई कपिल सिब्बल, कोई अभिषेक मनु सिंघवी दिग्गी को जमानत दिला सकता है, लेकिन दिग्गी के अवैध निर्माण, वो तो दिल्ली में ही, लुटियन दिल्ली में ही किया हुआ होगा, उस पर कार्रवाई करके इस देश को बड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे लोग फोटोशॉप यदि करेंगे इतने बड़े नेता होकर के, तो क्या खेल होगा। लेकिन समझिए कि दिग्गी के जब ट्विटर हैंडल पे आप पूरी सरसरी नजर डालेंगे, तो देखेंगे कि खैरातियों की संख्या, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इस तरह के लोगों के, प्रशांत भूषणों के रिट्वीट होंगे, तो समझ में आएगा कि फिर इन सब की बुद्धि कहां से आती है और कोई दिग्गी कहां से सोचता है। यह षड्यंत्र RSS के खिलाफ नहीं, यह षड्यंत्र भारत के खिलाफ एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्ती की जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।